69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम बना रहे हैं, तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से नहीं, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल कनाडा से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार जो होता है ब्रिटेन से लिया गया है। वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किस को रखा जा गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब एडवोकेट जनरल। संसद के उच्च सदन मतलब कि राज्यसभा में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम में चुने। उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 राज्यसभा की सीटें और हमारे बिहार में 16 सीटें हैं। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74। मानव आँखों की पुतली जिस एल्कालाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रापिन। निम्नलिखित में से कौन से ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं? सिलिका और अल्मोनियम। ग्रेनाइट में बहुत ही ज़्यादा होता है। बिहार में प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी कहाँ? जेठियन, जो कि नालंदा में है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालयों में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 34, 1+33, ये हो सकता है बदल भी जाए बाद में। समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन लिस्बन में किया गया था। लिस्बन पोर्टुगल में है, पोर्टुगल। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवरा थी? आदिवरा मिहिर भोज ने ग्रहण किया था यह उपाधि। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के नॉर्दर्न भाग उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। राजराजवर्मन। और राजेंद्र ने पूरा भाग पे कर लिया था, पर उत्तरी भाग पे राजराजवर्मन ने किया था। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? अहमदनगर सेंट्रल जेल में। अहमदनगर सेंट्रल जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था।